स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड OPPO A20 मॉडल में, जो कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग आप कैसे कर सकते हैं, वो भी फ्रेंड फोन के सेटिंग से, ओनली फोन की सेटिंग से। कई कई कबार ऐसा होता है फ्रेंड, जो कि आपके फोन में जो कि फ़ोन में होता ही है कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग्स, और आप ऐसा कुछ करते हैं जो कि प्लेलिस्ट में जाके आप इसकी जो कि ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जो कि आपको पूरा सही तरह से आपको रिकॉर्डिंग देता नहीं है, मतलब 4-5 रिकॉर्डिंग होता है और उसके बाद बंद हो जाता है, जो कि होता ही नहीं है। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, आप फ़ोन के सेटिंग से आप रिकॉर्डिंग को चालू कर सकते हैं, जो कि अगर किसी की बात सुनना हो उनको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करना क्या है, ऊपर लिख देना है, अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे नहीं मिलता है तो यहाँ पे लिख देना है आपको कॉल CALL, और उसके बाद आपको लिख देना है R। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉल रिकॉर्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग, यहाँ पे कॉल ऑल रिकॉर्डिंग, तो मैंने ये पहले से ही कर रखा है, तो इसको जैसे कि अगर आपको करना हो तो आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप, जैसे कि कई कबार ऐसे होता है जो कि नाम पे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने ये नंबर अपना सेव कर रखा है मेरे फ्रेंड का है, जो कि उसी का ही बस कॉल रिकॉर्डिंग होए, तो ऐसा अगर ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं फ्रेंड। अगर और भी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो ये नंबर ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं जो कि अगर ऑल पे आए, जो कि अगर सभी का कॉल्स आता है तो आप सभी का रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है रिकॉर्डिंग ऑल कॉल्स। तो इस पर क्लिक करते ही आप सभी का जो भी कॉल आएगा आप इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपने देख लिया है कि कॉल रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, वो भी फ़ोन के सेटिंग से। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही, शेयर सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।